हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। इसे आप लेडीज जैकेट पे, कार्डिगन पे, जेंट्स स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। बहुत खूबसूरत डिजाइन है फ्रेंड्स। उल्टी तरफ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 5-5 के मल्टीपल में डबल क्रोशिया कर लेने हैं तो डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नए से नए डिजाइन। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, एक ये और डिजाइन है मेरे पास इस तरह का। इसे आप जैकेट पे, कार्डिगन, मफरल, शॉल, स्कार्फ, किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला डिजाइन फ्रेंड्स अगर आपने बनाना है तो इसका लिंक आपको मैं कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो वहीं से चेकआउट कर लीजिएगा। ये मेरा दूसरे चैनल पे अपलोड होगा, क्रोशेट विद ज्योति पे, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये डिजाइन बनाना है तो वहां से देख लेना। तो ये, अभी ये डिजाइन बना रही हूं मैं। तो इसके लिए एक ये बेसिक रो मैंने तैयार कर ली है, तो इसी के ऊपर आपको डिजाइन बनाना बता दूंगी 5-5 के मल्टीपल में। तो आइए करते हैं स्टार्ट, कैसे बनाएं ये डिजाइन। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए पहले हम एक सिंगल क्रोशिया की रो करेंगे। डिजाइन को राइट साइड से शुरू करना है, इसलिए तो ये रो हमारी सिंगल क्रोशिया की। ये सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दो चेन करेंगे और एज बना लेंगे, दो डबल क्रोशिया बना के। इसके बाद यहां से दो स्टिच छोड़ेंगे तो तीसरे में आ जाएंगे, एक दो तीन। तीन स्टिच बनाने के बाद एक चेन करेंगे, फिर से तीन स्टिच बनाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां देखिए, एक दो तीन चार, चार स्टिच छोड़ेंगे और पांचवे में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे दो स्टिच छोड़े हैं। एक चेन, फिर से तीन स्टिच, एक दो तीन, एक दो तीन चार, फिर पांचवे। इसी तरह पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तीन स्टिच बनाने के बाद एक चेन करेंगे और फिर से तीन स्टिच बनाएंगे। एक दो तीन चार, पांच में आ जाए।
अब यहां पर एल स्टिच बना लेंगे। ये देखिए जैसे इस तरफ बनाया हमने। नेक्स्ट रो पे आ गए, दो चेन और एज स्टिच। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाले स्टिच हमने इधर से बुनने हैं। अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह के छह स्टिच हमने फ्रेंड्स पीछे की तरफ से उठा के बुने, उसकी वजह से आगे ये किनारी आ गई। तो इसी तरह हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। बीच में कहीं कोई चेन नहीं करनी। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये रो कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट रो पे आ गए, तो नेक्स्ट रो पे दो चेन करके स्टार्ट कर लेना है हमने। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे हमने एक चेन छोड़ी थी बीच में, ये देखिए तीन स्टिच के बाद एक चेन बीच में छोड़ी थी, तो वहीं से इसको ऐसे बुनना है। एक, दो, तीन, फिर एक चेन, एक, दो, तीन, ये देखिए। नेक्स्ट फिर यहीं पे आ जाएंगे, बीच वाला पोर्शन हमने सारा छोड़ देना है। यहां से ऐसे फिर से छह स्टिच बनाएंगे, एक, दो, तीन, एक चेन, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से ये वाली रो बनेगी हमारी।
ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है और इसी तरह से ये डिजाइन आगे बनता जाएगा। अब आप बनाइए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।